नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मेरा नाम है तन्वी खुराना और आज जो हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं वो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़े हुए, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। वाइल्ड लाइफ कहाँ होता है, ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एनिमल्स हैं उन्हें कितना प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कैसे रहने की जरूरत होती है, वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन सभी जगह अलग अलग क्यों होता है, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, बहुत कुछ है इसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है ciet.kishormanch@gmail.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारे दो टोल फ्री नंबर्स हैं 1800112199 और दूसरा नंबर है 1800111225। उम्मीद करती हूँ आपने ये नंबर्स लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे होंगे, आपसे मिस हो गए होंगे, तो हम बार बार इन नंबर्स को दोहराते रहते हैं, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिएगा। आप हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 किशोर मंच पर, और भी बहुत सारे चैनल्स पर आप हमें इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास है टाटा स्काई तो चैनल नंबर है 756, अगर आपके पास एयरटेल है तो चैनल नंबर है 440 यानी कि 440। वीडियो कॉन पे आप ट्यून इन कर सकते हैं चैनल नंबर 477, और अगर आपके पास डिश टीवी है तो चैनल नंबर है 950 यानी कि 950। अगर आपके पास सन डायरेक्ट है तो चैनल नंबर है 793, और अगर आपके पास डीडी फ्री डिश चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो चैनल नंबर है 128 यानी कि 128। तो आप हमें बहुत सारे माध्यम के जरिए इस वक्त देख रहे हैं, और आखिर में आप हमें YouTube पर भी लाइव देख रहे हैं। हमारा चैनल है NCERT Official, जिसके कॉन्वर्सेशन बॉक्स में भी आप अपने सभी सवाल, अपने क्वेरीज, जो भी आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगले 45 मिनट तक हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद होंगी और वो आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए इस सेशन का, लेकिन उससे पहले मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। मैम है हमारे साथ मिस रेणुका शर्मा, स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी। मैम है पीजीटी ज्योग्राफी लक्ष्मण पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सवाल लिख सकते हैं और मैम जवाब भी देंगी, सबसे पहला सवाल मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि मैम जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, तो अगर हम पूरे इंडिया में जाएं, अगर हम असम में जाएं तो अलग तरह की वेजिटेशन होती है, अगर हम दार्जिलिंग में जाएं तो अलग होती है, हर जगह की फार्मिंग अलग अलग होती है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ तन्वी, आज मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि भारत में जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, वनस्पति और वन्य प्राणी में इतनी विभिन्नता क्यों पाई जाती है। तो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी पीपीटी। द चैप्टर्स नेम इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। विल बी डिवाइडिंग द चैप्टर इंटू टू पार्ट्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इससे पहले कि मैं बाकी सारी विभिन्नताओं के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो, मैंने आपको अक्सर देखा है, आप पेड़ पौधों के पास बैठते हो, उनको देखते हो, उनको एडमायर करते हो, तरह तरह की तितलियां पकड़ते हो, पक्षियों को देखते हो, तो आप आते जाते मित्रों के यहाँ भांति भांति की चीजें देखते हो ना। आज हम इसी चीज के बारे में पता करेंगे। आई एक्सप्लेन यू अबाउट फ्लोरा एंड फौना। वॉट इज फ्लोरा, वॉट इज फौना? वेन वी टॉक अबाउट फ्लोरा, it is used to denote the plant kingdom of an area. Plant kingdom means ped paude. The species of animals are referred as animal kingdom. Vanaspati jagat ka shabd kisi vishesh kshetra ki paudhon ki utpatti se hota hai, aur jo prani jagat ke bare mein batata hai usko hum fauna kehte hain, wildlife kehte hain. India is a vast country.
इतनी बड़ी बड़ा देश है और अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना आप कर सकते हो. वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री हैविंग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री. इट इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन. क्या आपको पता है हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, 47,000 प्लांट स्पीशीज, और हमारा पूरे विश्व में 10वें स्थान पर जगह आती है. एशिया में हमारा देश 4थे स्थान पर आता है. भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है, 6% है. हमारे देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे फर्न्स, एल्गाई, फंजाई. सो वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा फाउंड इन इंडिया. एंड यू नो वी आर रिच इन फौना ऑल्सो. हमारे पास तरह तरह के वन्य वनस्पति के साथ साथ जानवर भी है. वी हैव अबाउट 90,000 एनिमल स्पीशीज. इट हैज अबाउट 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. That means we have 13% of the world's total of birds. और हमारे देश में इतनी तरह की variety of landform भूभाग है कि बहुत सारे migratory birds भी हमारे यहाँ आते हैं. We have 2,546 species of fish. That means we have nearly 12% of the world's stock. Don't you think, children? We are proud of our country having so rich flora and fauna. Now we talk about prakritik vanaspati, natural vegetation. What is natural vegetation? Vanaspati ka vah bhag jo manushya ke sahayata ke bina apne aap paida hota hai aur lambe samay tak us par manvi prabhav nahi padta. That means the plants which grow naturally without human aid and have been left undisturbed by the humans for a long time, they are known as natural vegetation and virgin vegetation. But children, when we talk about agricultural land, cultivated crops, fruits, they are not natural vegetation. तरह तरह की कृषिकृत फसलें, फल, बागान, ये वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति का भाग नहीं है. They are not natural vegetation. इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र से आपको पता चलेगा हमारे पास कितनी कितनी विभिन्न तरह की वनस्पतियां हैं. अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें, this darker green color shows you tropical evergreen forest. We'll be studying about all these forests in the coming slides. This lighter green color shows you tropical deciduous forest. This is montane vegetation. Then we have this yellow color, tropical thorn forest. And in between, if you see this darker brown color, these are the mangrove forests. इस मानचित्र से आपको पता चलेगा कि देखो कितना बड़ा देश है हमारा, कितना वास्ट देश है, और इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं. इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पर इससे पहले आपने मेरे से पूछा इतने विभिन्नता क्यों है. ये देखिए, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया. ये वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विभिन्नता इन कारणों से है क्योंकि हमारे पास विभिन्न तरह के भूभाग है, विभिन्न तरह की मृदा है, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, दैट मींस द सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. वी विल टॉक अबाउट दीज फैक्टर्स इन द कमिंग स्लाइड. व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड, भूभाग, भूभाग का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है. क्या पर्वत, पठार, मैदान जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, क्या सब जगह एक जैसी वेजिटेशन होती है? नहीं, हो ही नहीं सकती. The nature of the land influences the type of vegetation. The fertile, level land is devoted to agriculture, but undulating and rough terrains, there we have grasslands and woodlands. Ubar khabar, asamtal bhubhag par jungle aur ghas ke maidan hai, jin par vanya praniyon ka ashray milta hai. The second factor that influences the natural vegetation of our country is soil. Soil is varying over space. We have different types of soil. जैसी मृदा होती है वैसी वनस्पति होती है. विविध प्रकार की वनस्पति का आधार क्या है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मृदा. मरुस्थल की बालू मिट्टी सोचिए, वहां पर कंटीली झाड़ियां आती हैं. नदियों के डेल्टा जो बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल होते हैं,
वहां पे मिलते हैं पर्णपाती वन, मैंग्रोव ट्रीज, जो हिली स्लोप्स होते हैं, पर्वतों की ढलाने, वहां की मृदा की परत बहुत गहरी होती है, वहां पर कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट। अंडर क्लाइमेट द फर्स्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस इज टेम्परेचर। वनस्पति की जो विभिन्नता है, विशेषताएं हैं, वो तापमान और वायु की नमी पर डिपेंड करती हैं। द वेजिटेशन मेनली इज डिटरमिन्ड बाय द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी इन द एयर, इजंट इट? अगर आप देखें हिमालय पर्वत की ढलाने, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, वहां पे ऊंचाई ताप जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में गिरावट आती जाती है, उसी तरह वनस्पति भी पनपने और बढ़ने को अलग अलग तरह से पाई जाती है। So, on the slope of Himalayas and the peninsular plateaus, hilly regions, the temperature affects the type of vegetation. So, the vegetation changes from the tropical to subtropical to temperate. इसी तापमान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए ये टेबल, दिस टेबल विल टेल यू हाउ डज द टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द वेजिटेशन ज़ोन्स। सबसे पहला कॉलम देखिए ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण। उष्ण जो होता है वहां पे एवरेज तापमान जो होता है वो होता है मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस, वहां पर पाला नहीं बढ़ता है। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल होता है उपोष्ण। उपोष्ण पे लगभग टेम्परेचर होता है 17 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर पाला कभी कभी पड़ता है। टेम्परेट, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। शीतोष्ण का टेम्परेचर होता है 7 डिग्री टू 17 डिग्री औसतन, है ना, लेकिन यहाँ पर पाला पाला भी पड़ता है और कभी कभी बर्फ भी पड़ती है। और सबसे ऊपर जहां पे तापमान 7 डिग्री से कम होता है वहां पर एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है और ज्यादातर ये एरिया बर्फ से ढका होता है। तो बच्चों आपको पता चला, तापमान, तापमान एक बहुत जरूरी चीज है जिसके ऊपर वनस्पति डिपेंड करती है, और भारत में तो हर तरह का तापमान पाया जाता है। The next factor, तो मैम जैसे कि जैसे अलग अलग टेम्परेचर है अलग अलग जगहों पे, तो वहां पे वेजिटेशन भी अलग अलग होती है ना। किसी फ्रूट या वेजिटेबल को अगर बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए तो वो स्नोई एरिया में नहीं होगी, और ऐसे ही अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड चाहिए तो वो गर्मी वाली जगह पर नहीं होगी, राइट? बिल्कुल ठीक तन्वी, आप तो बहुत अच्छी भूगोल पढ़ लेती हैं। अब हम अगले पार्ट पे पहुंचेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज फोटोपीरियड। फोटोपीरियड मींस सूर्य का प्रकाश। जैसा कि तन्वी मैम ने आपको बताया, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं पर निर्भर करता है। प्रकाश अगर अधिक समय तक मिलता है तो वृक्ष जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, अगर प्रकाश कम मिलता है तो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं। Longer the duration of sunlight, the trees grow faster. So the duration of sunlight due to the differences in latitude, seasons and the duration of the day automatically has an impact on the growth of the plants and the trees. The next factor or the last factor is precipitation. Precipitation means almost the whole of the country receives rainfall by the advancing monsoons and retreating monsoons. हमारे पास पूरे साल लगभग वर्षा आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी और हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से भी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, दोनों में एक कंपैरिजन की जाए तो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे ज्यादा डेंस वेजिटेशन होती है, जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पर सघन वन कम पाए जाते हैं। अब आप जाने फॉरेस्ट। You must have heard a lot of things in the news, in the newspaper, in your school. Teachers must be promoting Van Mahotsav, कि हमें पेड़ लगाने हैं। जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है हम जगह जगह पेड़ लगाते हैं। तो इन पेड़ों का, इन जंगलों का हमारी लाइफ पर क्या महत्व है? Forests are renewable resources. ये हमारी जिंदगी में, हमारी धरती पर एक बहुत बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं। आपने कभी सोचा है जो वन है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? जी हाँ, वन जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। दे एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। द मोर ट्रीज यू हैव इन योर सराउंडिंग्स यू फील सो बेटर बिकॉज यू गेट सो मच ऑफ ऑक्सीजन, क्लीन एयर, इजंट इट? ये स्थानीय जलवायु को,
मृदा अपरदन को, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं. द रूट्स ऑफ द ट्रीज दे होल्ड द सॉइल टुगेदर, दे रेगुलेट द स्ट्रीम फ्लो, दे सपोर्ट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, दे प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटीज. ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, isn't it? वर्षा लाने में सहायता करते हैं, मृदा को जीवाश्म ह्यूमस मिलता है, और सबसे बड़ी चीज, दे प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, isn't it? सो द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू टाइप्स ऑफ यूजेस, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव. दे आर गिविंग अस प्रोडक्ट्स एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम सो मेनी अनवांटेड थिंग्स. So forests are important. Now we will study about all these medicinal plants. आजकल जैसे COVID-19 चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे खबरों में हर जगह कि हमें medicinal plants ज्यादा जरूरी है, काढ़ा पियो. हम इतने सालों से, भारतीय संस्कृति इतने सालों से आयुर्वेदिक पर डिपेंड करती है, आयुर्वेद पर, isn't it? जब आप बीमार होते हो आपकी मम्मी फटाफट आपको तुलसी की चाय पिलाती है ना, क्यों पिलाती है? These are all medicinal plants. भारत प्राचीन समय से अपने मसालों, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है. हमारे देश में आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का, पेड़ों का वर्णन है, जिससे कम से कम 500 तो हम यूज करते ही करते हैं. ये एग्जाम्पल देखिए, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 ट्रीज, 352 पादपों की गणना को, जिसमें से 52 पादप अत्यंत संकटग्रस्त है. हम लोग पेड़ काटते हैं, हम जंगल काटते हैं, उसकी वजह से 49 ट्रीज हैव बीन एंडेंजर्ड. सी दीज एग्जांपल्स चिल्ड्रन, यू विल रियली एंजॉय. सर्पगंधा, सर्पगंधा जो होती है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है, और जो सिर्फ हमारे भारत में ही मिलती है. जामुन का तो आपने सुना ही होगा, जामुन जो पका हुआ फल होता है उससे सिरका बनाया जाता है, इससे पाचन शक्ति के गुण होते हैं. बीज का जो पाउडर होता है वो मधुमेह, डायबिटीज में हेल्प करता है. सिमिलरली अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये वो सारे पौधे हैं जो आपकी मम्मी लोग घर पे यूज करती हैं और आपको ठीक करती हैं. मेनी ऑफ दीज थिंग्स, स्पेशली तुलसी, आई बीन टेलिंग यू, दे यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड. तो आप अपने क्षेत्र में, अपने आसपास औषधीय पेड़ों की पहचान करो, कौन कौन से पौधे औषधि के लिए यूज होते हैं, उनका कौन कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं. ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है. Now children, we move on to the second part of the chapter, that is the different types of trees, the different types of forests that are found in India. Tropical evergreen, tropical deciduous, tropical thorn and scrub, mountain and mangrove. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. Tropical evergreen. Ma'am, before we go further, we have a question from one of the viewers, Anshu Singh. वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई भी प्लांट होता है जिसे सनलाइट की जरूरत नहीं होती और फिर भी वो ग्रो करता है? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बिना सनलाइट के आप घर के अंदर भी लगाते हैं. Various types of plants which grow inside your house also, they are known as home plants. They are also grown in India. तो अब हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन. आपने दो तरह के नाम सुने होंगे, एवरग्रीन डेसिडियस. एवरग्रीन का क्या मतलब होता है? इन जंगलों में जो पेड़ हैं वो साथ के साथ पत्ते नहीं गिराते हैं. इसके अलावा इसके ऑपोजिट होता है डेसिडियस, पर्णपाती, जो एक सीजन में पूरे पत्तों को गिरा देते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट उष्ण कटिबंधीय वर्षावन. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs, creepers. तो यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बहुत घना वन है, बहुत घना वन. ये देखिए, छोटी छोटी घास भी है, छोटी छोटी झाड़ियां भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं. ये हर तरह की चीजें इस वाले वन में उगती हैं. इसमें पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, तो ये वन पूरे साल लगभग हरे भरे लगते हैं, अतः इनको हरा भरा वन भी कहा जाता है. एवरग्रीन, सदाबहार. नाउ वेर एवर वी गेट हेवी रेनफॉल इन इंडिया, स्पेशली द वेस्टर्न घाट्स, जैसे आजकल मुंबई में बारिश हो रही है, द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, एंडमान्स एंड निकोबार्स, असम, तमिलनाडु, जहां पर प्रॉपर मानसून होते हैं, वहां पर इस तरह के वन पाए जाते हैं.
ये वाले क्षेत्र जैसे जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो हम जानवरों की बात तो करेंगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत घने जंगल होते हैं। इसके अंदर तरह तरह के जानवर, हाथी, बंदर, लेमूर, तरह तरह के हिरन, ये सब चीजें इनमें पाई जाती हैं। और छोटे छोटे जानवर भी जैसे बर्ड, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये सब भी इन जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये वन बहुत ज्यादा घने होते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज आर दी एवरग्रीन सदाबहार फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया। द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी, द रीजन विच रिसीव द मानसून रेनफॉल ऑल्सो, सो दे आर नोन एज मानसून फॉरेस्ट ऑल्सो। यहाँ पे जो भी बारिश कहेंगे हम, बिटवीन 200 सेंटीमीटर्स टू 70 सेंटीमीटर्स, लेकिन मानसून की वर्षा सब जगह सेम तो नहीं होती ना, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन इनको हम सदाबहार नहीं कहते, पर्णपाती कहते हैं, बिकॉज ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु जब बहुत गर्मी होती है 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब क्योंकि बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती है, इनमें भी दो टाइप्स होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस, शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण पर्णपाती वन। द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर, जहां ज्यादा मानसून होते हैं। जहां मानसून थोड़े कम होते हैं वहां पर पाए जाते हैं ड्राई डेसिडियस वन। यहाँ पर भी बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं, बहुत तरह के पेड़ पाए जाते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस में टीक सबसे ज्यादा पाया जाता है, बैम्बू, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, ये सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं विच आर फाउंड इन द मॉइस्ट डेसिडियस। In the dry deciduous, the main trees are sal, peepal, neem. So you can see these are the regions dependent on rainfall. So all the type of vegetation is mostly dependent on temperature, rainfall, land, which I have spoken about. Now we come to thorn forest and scrub forest. Thorn forest and scrub forest are found in the regions with rainfall less than 70 centimeters. Yes, you are right. You must be thinking about the डेजर्ट, isn't it? जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा कंटीले वन और झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर पश्चिमी भाग, हाँ, राजस्थान, थोड़ा सा पार्ट ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, लिटिल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है। और यहाँ पर भी बहुत सारे तरह के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, जो रूट्स दे गो डीपर इनटू द सॉइल। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं, जैसे आप कैक्टस लगाते हो, इजंट इट, पत्तियां छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। सो शुष्क भागों में ये झाड़ियां पाई जाती हैं। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर मोस्टली थिक स्मॉल सो दैट द इवेपोरेशन इज लेस। These forests, they give way to thorn scrubs in the arid areas. See, the vegetation is not thicker. Dur dur milti. So these are the regions I've told you. And the main trees are acacias, palm, euphorbias, cacti, and a kikar, babool, khair. Ye sare paudhe yahan par milte. Now we talk about the most important forest. That is the mangrove forest. आपको मैंने डेल्टा के बारे में बताया था पिछले पार्ट में, जहां पे नदियां डेल्टा बनाती हैं, जहां पे समुद्र का नमकीन पानी भी होता है। सो द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, वेयर द मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं वहां पाई जाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द सी वेव्स ऑल्सो। घने मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये सारी जड़ें पानी में डूबी हुई हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये बहुत सारे पाए जाते हैं। दिस इज मैनग्रोव ट्रीज। द डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, दे आर कवर्ड विद मैनग्रोव ट्रीज।
सुंदरबन हमने किसके लिए नाम रखा है? सुंदरी ट्री. सुंदरी इज अ टाइप ऑफ मैंग्रोव ट्री. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हार्ड टिम्बर लाइक कोकोनट, केवरा, अगर एंड ऑफ कोर्स द रॉयल बंगाल टाइगर. इट इज वेरी फेमस इन दीज फॉरेस्ट. अदर देन बिकॉज दीज आर दी स्वैम्पी एरियाज, वी हैव टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. तो मैम मैंग्रोव ट्रीज को हमें उगाना नहीं पड़ता, मतलब दे ग्रो ऑन देयर ओन, और उनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है या नहीं होती है? जी हाँ, उगते तो अपने आप है, बट बिकॉज वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज देयर, दे आर श्रिंकिंग नाउ. वी हैव टू कंजर्व देम, वी हैव टू प्रिजर्व देम. देयर आर मेनी एक्टिविटीज, मेनी प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बिकॉज द मैंग्रोव्स आर श्रिंकिंग, सो दे आर टू बी सपोर्टेड, दे आर टू बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड. Okay. Now the next thing we talk about montane. हम montane vegetation को एक अलग दर्जा देते हैं. भारत में तरह तरह के वन है ना, इनको हम एक अलग दर्जा क्यों देते हैं? Because in the mountainous areas, as the altitude increases, the temperature decreases. And what did I tell you students? According to the temperature and the rainfall and the altitude, the vegetation varies. तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी आती जाती है, तो प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है. वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम टुंड्रा में देखते हैं, उष्णकटिबंधीय में देखते हैं, सो फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा हर तरह के पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं. जैसे आप गर्मियों में हिल स्टेशन पे जाते हो, तो बच्चों आप नोट करना, जैसे आप अपने वाले स्थान से, अपने क्षेत्र से थोड़े आगे जाते हो, पेड़ पौधों की वेराइटी चेंज होती जाती है. So that changes because of the altitude. So this is the way I want to tell you about the montane vegetation. ये देखिए कर्सर के हिसाब से, जैसे जैसे elevation बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे elevation ऊपर जाता जा रहा है, वैसे वैसे temperature कम होता जा रहा है, और वैसे वैसे पेड़ों की variety भी कम होती जा रही है. पेड़ों की variety, the types of trees, the types of leaves also change. See, the lowermost range is 1,000 to 200 meters where we get wet, temperate evergreen broad leaves like oaks and chestnuts. ऐसे थोड़े ऊपर गए 1500 से 3000 के बीच में temperate forest, coniferous, conical trees, sharp edged trees, और उसके ऊपर जाते जाएंगे 3000 3600 मीटर से ऊपर तो temperate forest, और उससे ऊपर जाएंगे तो छोटी छोटी झाड़ियां. तो हम कह सकते हैं 1000 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीशोण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट, उससे ऊपर गए 1500 से 3000 शंकुधारी कॉनिफेरस जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, ये सब पाए जाते हैं. प्रातः वैसे हम कह सकते हैं 3600 से ऊपर पर जाए तो घास के मैदान, अल्पाइन वेजिटेशन, वहां पर भी कुछ ही पेड़ होते हैं, अदरवाइज दैट एरिया इज कवर्ड विथ स्नो. सो जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, धीरे धीरे झाड़ियां और फिर एल्पाइन ग्रासलैंड बन जाती है. सो दिस इज द वेजिटेशन ऑफ द माउंटेन, माउंटेन वेजिटेशन. सो इट वेरीज विद द हाइट, एज द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस. सो देयर इज अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा. ठीक है, इसको हम कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पति, पर्वतीय वन. अब हम अपने एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जानवरों के बारे में. ये सबसे हमारे पास एक सवाल है, बताइए. हमारे एक दर्शक गौरव कुमार पूछ रहे हैं, जो कोरल्स होते हैं हमें पानी के नीचे मिलते हैं, क्या वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं या एनिमल्स की? नहीं, कोरल पॉलियप्स आर स्मॉल माइक्रो सी ऑर्गेनिजम्स. एल्गे फंगाई अलग होते हैं, बट कोरल पॉलियप्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. They are not plants. They die and they join together and the coral reefs are formed. So they are named as microorganisms. Okay. तो अब देखिए हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में. वन्य प्राणी जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हम जगह जगह जाते हैं और आप इन सब चीजों को देखते हैं. वनस्पति की भांति ही भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपदा भी पाई जाती है. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जीवों की लगभग हमारे पास 90,000 प्रजातियां हैं, 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं,
कुल विश्व का 13% है। मछलियों की कितनी प्रजाति है? उसके अलावा वी हैव सरीसृप, स्तनधारी, मैमल्स, स्नेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट वी हैव फाउंड। So when we talk about these animals, they have their specific habitats in India, isn't it? अगर हम कहें mammals, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहाँ मिलता है? असम, कर्नाटक, केरला के उष्ण और आद्र वनों में, hot and wet forest of असम, कर्नाटक and केरला। लंबे सींग वाले गेंडे सुने हैं ना आपने? ये मिलते हैं One horned rhinoceros, swampy lands of Assam and West Bengal. They stay in swamp and marshy lands. Wild lands, they are in arid lands of Ran of Kutch. So they have their habitats along with their body shapes and all, everything according to that. Camels are found in the Thar Desert. Uske gudgude paon jo usme sand mein achhi tarah dab jaate hain. Otherwise, we have variety of animals. Bharatiya bhaisa, neel gai, chausinga. चौसिंगा, छोटा मृग, गैजल, अलग अलग प्रजातियों के हिरन, ये सब भारत में पाए जाते हैं। और ऑफ कोर्स बंदर भी बहुत सारे मिलते हैं हमारे देश में। और भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। आंट वी प्राउड चिल्ड्रन? वी आर गिविंग देम हैबिटेट्स। So you must conserve, protect all these animals wherever you can. भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल, the natural habitat of the Indian lion is Gir Forest of Gujarat. It is in Gujarat, isn't it? बाघ, बाघ जो है मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे ये बिल्ली जाति के होते हैं ना, शेर और टाइगर। ऐसे सदस्यों में तेंदुआ भी है जो एक शिकारी जानवर कहलाया जाता है। जी। और मैम गिर फॉरेस्ट में आई थिंक दोनों ही है, लेपर्ड्स भी हैं और लायंस भी हैं। लायंस क्योंकि डेंजरस नहीं होते हैं और लेपर्ड्स डेंजरस होते हैं फिर भी, और फिर भी वो एक ही फॉरेस्ट के अंदर सरवाइव भी करते हैं। वो अपना एक एरिया मार्क कर लेते हैं, उस एरिया के अलावा किसी एरिया में कोई जाते नहीं और किसी जानवर को आने नहीं देते। तो चिल्ड्रन, दीज आर दी बायो रिजर्व्स। व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट दी कंजर्वेशन, यस द गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय नॉट कटिंग द ट्रीज, बाय नॉट किलिंग द एनिमल्स। सो दीज आर दी मेजर बायो रिजर्व्स। ये सारे जो बायो रिजर्व्स है ये आप एक मानचित्र पर अंकित करेंगे। अगली क्लास में मैं आपसे देखूंगी कि आप ये सारे अंकित करके लाएंगे। ये जो बायो रिजर्व है 18 जीव मंडल कहते हैं इसको, सुंदरबंस, सिंपलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नार, दिहांग दिबांग, नीलगिरी, डिब्रू साइकोवा, नंदा देवी। अब देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ अलग अलग तापमान भी पाया जाता है और वर्षा भी। ये देखिए इस मानचित्र से आपको पता चलेगा पूरे देश में, लगभग पूरे देश में हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैं। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। सो दीज आर द बायो रिजर्व्स व्हिच यू मस्ट विजिट। यू मस्ट विजिट एंड ट्राई टू एनहांस योर नॉलेज, एनरिच योर नॉलेज अबाउट दीज एनिमल्स। लद्दाख, लद्दाख कितनी ठंडी जगह है, फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड। They are the home of the yak, the shaggy horned wild dogs weighing around 1 ton, the Tibetan antelope. They're all found in the Ladakh region. Yeah. See, this is Bharal, Kiang, shaggy one horned wild dogs. ये सारे जो हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ecosystem को maintain करने के लिए बहुत important है. See? Such beauty of nature. And you know, a thing of beauty is joy forever. So these are the animals which are found in different regions. हमारे देश में प्रवासी पक्षी भी आते हैं क्योंकि हमने उनको conservation वाली जगह दी है, हमने सुंदर सुंदर जगहें बनाई है. Bird life in India is colorful. भारत के कुछ दलदल भाग हैं जहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए famous है. वहां पे हर साल शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों के एक मनपसंद स्थान होता है कच्छ ऑफ रन, रन ऑफ कच्छ में भी ये रहते हैं।
जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहां लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोस एवरी ईयर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स दे कम एंड विजिट आवर कंट्री सो दीज बर्ड्स आर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दीज एनिमल्स दीज स्पीशीज दे हैव अ स्पेशल रोल टू प्ले इन द ecosystem, isn't it? They are very important for our ecosystem. अब जैसे हम अपनी फसलें जितने agricultural crops हैं जितनी फसलें हैं ये हमने पर्यावरण से ही तो चुनी है जितने खाने योग्य पौधे हैं ये सब हमने पर्यावरण से चुने हैं हमने बहुत सारी औषधियां herbal plants इसका भी चुनाव हमने इसी पर्यावरण से किया है दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा ही आए गए हैं बोझा ढोने वाले ये सारे जानवर भी हमें यहीं से ही मिले हैं इसका मतलब ये सारे जो जानवर हैं जितनी स्पीशीज हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मछलियों से पौष्टिक आहार मिलता है बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं पॉलन से इधर से उधर उड़ते हैं हानिकारक कीड़ों से इकोसिस्टम को बचाते हैं हर प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है ईच एंड एवरी एनिमल स्पीशी हैज इम्पोर्टेंस इन द ecosystem but this ecosystem is in danger now why because the human beings have been doing many unwanted activities isn't it kuch vanya jeevan prajati ke sankat mein hai aur kuch vinasht ho chuke hain prakritik tantra iska asantulan ka mukhya karan lalchi vyapari hain jo apne vyavsay ke liye atyadhik shikar karte hain रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण हो जाता है isn't it? So they are all causing threat. They are causing threat to the habitats of these animals. So for that we have those 18 bioreserves for the protection and preservation of these animals. So the main steps taken by the government to protect these biodiversity, अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं ये देखिए पहला कदम वी हैव 18 बायो रिजर्व्स देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जिसमें से 10 सुंदरबन नंदा देवी मन्नार की खाड़ी नीलगिरी नखरेक ग्रेट निकोबार मानस सिंपलीपाल पंचमणि अचनकमर अमरकंटक ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी में भी इंक्लूड होते हैं दिस इज द सेकेंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन 1992 फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू द बोटानिकल गार्डन्स सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई दिस इज द नेक्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट टाइगर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट प्रोजेक्ट राइनो प्रोजेक्ट ग्रेट बियर शेर संरक्षण गैंडा संरक्षण भारतीय भैंसा संरक्षण ये सब पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं सो वी हैव 103 नेशनल पार्क्स 535 वन प्राणी अभयन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं आप सोच सकते हो अगर हमारे देश में पेड़ नहीं होंगे जानवर नहीं होंगे तो जिंदगी कैसी होगी बिल्कुल बेकार आप सोच ही नहीं सकते कि इनके बिना ऐसी जिंदगी हम जीना चाहेंगे कि नहीं जीना चाहेंगे तो हमें इन सभी को जीवित रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को महत्व को समझना चाहिए वी हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस सो दिस इज द वर्क आई एम गिविंग यू टू मार्क दीज बायो रिजर्व्स इन योर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सो दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया Yes, Tanvi, any question? Yes, ma'am, a few. Yes. So, one of the viewers is asking, agar animals nahin honge, toh humare ecosystem pe kya effect hoga? Children, you have heard of food chain and food web? Ek janwar dusre janwar per dependent hota hai. Dusra janwar, teesre janwar per. Agar hum us chain ko rok lenge, jaise ab tiddiyon ka dekhiye, agar in tiddiyon ko koi aur nahin khayega, toh ye tiddiyan phailti ja rahi hai. ग्रास होपर्स इसको नहीं खाएंगे तो ये फैलती जाएंगी और ये हमारे जान और माल का नुकसान करेंगे इसंट इट अगर पूरे देश में शेर ही शेर बढ़ जाए और शेर जो है बाकी बकरियों को या किसी और चीज को नहीं खाए तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है दिस फूड चेन फूड वेट गेट्स
affected. So each animal, each species has its own importance in the ecosystem. Hence, they have to be preserved in their natural habitat. The same thing goes for plants as well, right? Agar plants bhi nahi honge, to bhi ecosystem pe effect hoga. Bilkul. Aur plants ki importance maine aapko forest mein batai, wo to hamari zindagi ke liye bahut zyada zaruri cheez hai. जी. उसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसी से ही हमारे पूरा देश या पूरा संसार उन्हीं चीजों से रुका हुआ है और बसा हुआ है. मैम, आपने टुंड्रा रीजन मेंशन किया था, तो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि प्लांट्स टुंड्रा रीजन में पर्टिकुलरली कैसे ग्रो करते हैं. टुंड्रा रीजन यूजुअली इज कवर्ड विद स्नो. व्हेनेवर द स्नो मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर सीजन, वी हैव स्मॉल श्रब्स एंड ग्रासेस देयर. अदरवाइज इन दैट एरिया वी हैव ग्रीन हाउस. दे मेक हाउसेज ऑफ ग्लासेस. वो ग्लास हाउस बनाते हैं जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट देके उसके अंदर वो तरह तरह के फल और फूल लगाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रोइंग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द टुंड्रा रीजन आल्सो प्रोवाइडिंग देम ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके मैम, डू यू हैव एनी मैसेज, बिकॉज़ अभी लॉकडाउन में बच्चे घर के अंदर ही हैं और जाहिर है उनके पास बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन प्लांट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिकली इनके लिए अगर आप कोई पेरेंट्स को, टीचर्स को, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, तो सभी के लिए कोई मैसेज है आपके लिए, आपके पास. जी बच्चों, आप जिस जिस स्थान पर रहते हो, जिस भी क्षेत्र में रहते हो, अपने आसपास की वनस्पति को देखिए और पहचान कीजिए. जो ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, जो श्रेणियां आपको बताई हैं, उसमें आपका क्षेत्र किस जगह पड़ता है. और हर जगह, अब तो आपके इस घर में इतना टाइम है, कोशिश कीजिए एक पेड़ जरूर लगाइए. प्लांट अ ट्री एंड नर्चर इट. ये नहीं कि आपने सिर्फ पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया, उसे रोज पानी दीजिए, उसको एक बड़ा पेड़ बनाइए. जितनी हमारी जनसंख्या है, अगर हम सब एक एक दो दो पेड़ लगा के उसको नर्चर करेंगे, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ ग्रीनरी इन आवर कंट्री. इफ यू विजिट एनी अदर कंट्री, मैं आपको अपनी जापान का एग्जांपल देती हूँ. जब मैं जापान गई, जब मैं सिंगापुर गई, वहां बहुत हरियाली थी. मैं वहां से सीख के आई. हर साल मैं 5 पेड़ लगाती हूँ और उनको नर्चर करती हूँ, यानी कि लगाया और छोड़ दिया. आई वॉटर इट, आई टॉक टू इट, आई वॉच देम ग्रो. इट्स सच अ ट्रीट टू द आईज. बच्चों, आप अपने घर के आसपास पेड़ लगाओ, अपनी वहां की प्रजाति देखो, कौन सी प्रजाति के पेड़ वहां उग सकते हैं. आसपास पेड़ लगाओ और उस पेड़ को ग्रो करता हुआ देखो और उससे आपको क्या क्या फायदे हैं उसको लिखो. और जब ये मानचित्र करेंगे, भुवन ऐप में भी जाकर इन सभी मानचित्र को देखिए. ओके मैम, 5 पेड़ लगाना हर साल, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपने बताई, क्योंकि बच्चे जनरली एक प्लांट लगा लेते हैं, स्कूल में एक्टिविटी होती है और बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन पता नहीं शायद नर्चर करते हैं या नहीं. अब जब आपने कह दिया है तो आई एम श्योर वो आपकी बात जरूर मानेंगे. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना कुछ समझाने के लिए. थैंक यू. जय हिंद. थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स. आपने ये कार्यक्रम देखा, हमसे इतने सारे सवाल पूछे. आपके सभी सवाल उम्मीद करती हूँ मैम ने आंसर कर दिए होंगे, और अगर कुछ नहीं किए होंगे तो मैम अगली बार जरूर आंसर कर देगी. हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हम वापस आने वाले हैं मैथ्स के एक सेशन के साथ, जो की है क्लास 9th के बच्चों के लिए, और टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए तैयार हो जाइए और अपने सवाल तैयार रखिए, क्योंकि आप हमें भेज सकते हैं cieet.kishoremanch@gmail.com. इसके अलावा यूट्यूब चैनल तो है ही NCERT ऑफिशियल, तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा. फिलहाल के लिए आप अपने घर में रहिए, ध्यान रखिए, NCERT का ऑनलाइन रिसोर्स मटीरियल देखते रहिए. नमस्ते.